हमारा भारत इन दिनों तेजस फाइटर जेट के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन अमेरिका के इंजन नहीं देने से इसमें जल्द सफलता मिलती नहीं दिख रही। और अब कहा यह जा रहा है कि नवंबर महीने में भारत को पहला तेजस फाइटर जेट नहीं मिलेगा। वहीं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन अब पाकिस्तान की वायुसेना को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट से लैस करने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर पायलट अब चीन के J-31 स्टील्थ फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुके हैं। कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ने संकेत दिया था कि उनका देश जल्द ही चीन से J-31 फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना जहां पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट से लैस होने जा रही है, वहीं पर भारत अभी भी चौथी पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट पर अटका हुआ है। पाकिस्तानी टीवी चैनल बोल न्यूज की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी वायुसेना के पायलटों ने चीन में J-31 जेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। उसने बताया कि यह पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक बड़ी घटना है और अब जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में चीनी J-31 फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा और ये सभी ट्रेंड किए हुए पायलट उसे उड़ाएंगे। हालांकि ये भारत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जहां अभी तक भारत के पास केवल चौथी पीढ़ी का ही राफेल फाइटर जेट है, तो वहीं पाकिस्तान पांचवी पीढ़ी के J-31 फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है। और चीन का दावा है कि उसका J-31 या FC-31 फाइटर जेट पांचवी पीढ़ी का है और उसे रेडार से पकड़ा नहीं जा सकता, इसी वजह से चीन इसे अदृश्य भी मानता है। पाकिस्तान की वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने 2 जनवरी को यह ऐलान किया था कि उनका देश इस नए चीनी फाइटर जेट को शामिल करने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदा था और उन्होंने यह फाइटर जेट राफेल से टक्कर लेने के लिए लिया था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को यह फाइटर जेट बेचना चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों चीन के हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक बनके उभरा है। चीन पाकिस्तान को चेंगदू J-20 फाइटर जेट के प्रोडक्शन में भी मदद का ऑफर दे सकता है। दरअसल चीन को डर सता रहा है कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक तुर्की के पास जा सकता है, क्योंकि तुर्की ने कान फाइटर जेट बना लिया है। कान फाइटर जेट भी पांचवी पीढ़ी का एक फाइटर जेट है और तुर्की ने पाकिस्तान को इसका ऑफर दिया है। तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान इस विमान के निर्माण में उसकी मदद करे। वहीं कंगाल पाकिस्तान अब चीन बनाम तुर्सी में फंसा हुआ था, लेकिन माना जा रहा है कि वह अपने आका चीन की ओर ही जा रहा है। J-31 एक कम कीमत वाला पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। इसे चीनी वायुसेना और नेवी दोनों में शामिल किया गया है, ताकि अमेरिका के F-35 और यूरोप के 4+ फाइटर जेट को टक्कर दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की अभी जो माली हालात है, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वह बहुत ही बड़ी तादाद में विमान खरीद पाएगा। वहीं भारत की बात करें तो अभी हमारे पास एक भी पांचवी पीढ़ी का विमान नहीं है, लेकिन रूस और अमेरिका दोनों ही स्टील्थ विमान बेचना चाहते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद।